स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और चलिए खबरें आपको दिखाते हैं अब सुपर फास्ट अंदाज में। हथियारों के साथ अमेरिका का पहला विमान दक्षिणी इसराइल के निवातिम एयरबेस पहुंचा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस हफ्ते जाएंगे इसराइल। गाजा पट्टी पर इसराइल की जवाबी कार्रवाई में 700 फिलिस्तीनियों की मौत, बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की सूचना। हमास के हमले में मरने वाले इसराइलियों की संख्या 900 के पार, अब तक 1600 लोग हुए घायल। युद्ध के बीच एनडीटीवी ने भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अदनान अब अल हज़ा के साथ की बातचीत, इसराइल के साथ वार्ता के लिए भारत का मांगा सहयोग। जंग के बीच भारत में इसराइली सैलानियों की चिंता बढ़ी है, भारी तादाद में इसराइली सैलानी अपने देश लौटने के लिए दिल्ली रवाना। पुलिस की जिला विशेष टीम ने 6 डंपर और 1 ट्रक को किया जब्त, गुजरात से लाई गई थी बजरी, वाहनों को जब्त कर कोतवाली थाना परिसर के समीप खड़ा कराया गया। सवाईमाधोपुर से सटे जमूलखेड़ा गांव में सड़क के बदहाली की तस्वीर आए सामने, सरकारी स्कूल का आम रास्ता पूरी तरह कीचड़ और गंदे पानी से पटा हुआ है, लोगों को हो रही है परेशानी। राजसमंद नगर परिषद की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, मोही रोड के एक कमर्शियल बिल्डिंग को सीज किया गया, अतिक्रमण की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है। विधानसभा चुनाव से पहले अवैध डोडा पोस्ट की बड़ी खेप बरामद, बाड़मेर डीएसटी और बालोतरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, जोधपुर रेंज आईजी टीम को किया पुरस्कृत। भीलवाड़ा की मंगरूप थाना पुलिस ने 5,55,00,000 से ज्यादा का अफीम और डोडा चूरा किया बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार, चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई। केड़ गांव के पास सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी स्कूल बस, हादसे में करीब 6 स्कूली बच्चे घायल, गुड़ा सीएससी में बच्चों का उपचार कराया जा रहा है। मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई, श्रीगंगानगर में जगजीत सिंह का हुआ था जन्म, शहर में 1 करोड़ खर्च कर बनाया जा रहा स्मारक। जूनियर गर्ल्स फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन उम्मीद राजकीय स्टेडियम में, 10 अक्टूबर तक प्रतियोगिता का आयोजन, देश भर की टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया, 15 अक्टूबर को जयपुर में ही फाइनल मैच खेला जाएगा। राजसमंद में कुवारिया कस्बे के बिनोल गांव में आयोजित गबरी का गोरज्य माता की भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ समापन, शोभा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, गोरज्य माता की प्रतिमा का धूमधाम के साथ किया गया विसर्जन। भरतपुर के प्रचलित डीग महोत्सव 2023 की शुरुआत, 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में चलेंगे रंगीन फव्वारे। चूरू दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीएम ने विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा की मूर्ति का किया अनावरण, बीजेपी की टिकट लिस्ट में राजेंद्र राठौड़ का नाम नहीं, बीजेपी सांसदों से सीएम का सवाल, कहा मोदी सरकार के 25 सांसदों ने 5 साल में क्या किया। सीएम गहलोत ने सभा को किया संबोधित, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की टिकट लिस्ट में राजेंद्र राठौड़ का नाम नहीं। बीजेपी सांसदों से सीएम गहलोत का सवाल, कहा मोदी सरकार के 25 सांसदों ने 5 साल में क्या किया। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा से पूछताछ, दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 घंटे तक की पूछताछ। बीजेपी नेता विकास चौधरी को टिकट न मिलने पर उनके आवास पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, भीड़ देखकर विकास चौधरी की आंखों से छलके आंसू, कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव लड़ने का बना रहे हैं दबाव, भागीरथ चौधरी को बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। बीजेपी से विजय बैंसला को टिकट देने का कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, देवली उनियारा से बीजेपी कार्यकर्ता जयपुर रवाना, बीजेपी के आला नेताओं से मिलकर जताएंगे विरोध। झोटवाड़ा में पूर्व विधायक राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कटने पर समर्थकों ने बीजेपी प्रदेश दफ्तर पर किया हंगामा, राजपाल शेखावत को टिकट देने की मांग, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट देने का जताया विरोध, राजपाल सिंह के समर्थक पुलिस कर्मियों से भिड़े। 23 नवंबर को चुनाव के मद्देनजर राज्य में आचार संहिता लागू, आचार संहिता लगने के बाद अब राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ाई गई, आने जाने वाले हर वाहन पर पुलिस की कड़ी नजर। विधानसभा चुनावों को लेकर झुंझुनू और नीमका थाना जिला प्रशासन की उदयपुरवाटी पंचायत समिति सभागार में बैठक, जिला कलेक्टर ने आचार संहिता के पालन को लेकर दिए निर्देश। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में आचार संहिता लागू, आचार संहिता लगने से कुछ घंटे पहले आरपीएससी में 3 सदस्यों की नियुक्ति, फैसला बना
चर्चा का विषय कर्नल केसरी सिंह, कैलाश चंद मीना और प्रोफेसर अयूब खान को आरपीएससी के सदस्य बनाया गया। भरतपुर नगर विधानसभा से बीजेपी की टिकट देने की घोषणा होते ही बीजेपी में बगावत का बिगुल। बीजेपी नेता अनिता सिंह गुर्जर ने किया बड़ा ऐलान, सोशल मीडिया पर डाला पोस्ट। अनिता सिंह गुर्जर ने चुनाव लड़ने की संभावनाओं का ऐलान किया। बीजेपी के फैसले से नाखुश दिखे अनिता सिंह गुर्जर, कहा कि नगर विधानसभा में इस प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। किसानों की जमीन की नीलाम वाले पोस्टर बॉय ने अब बीजेपी पर मानहानि का कराया केस। कुछ दिन पहले बीजेपी ने सरकार पर कर्ज माफी का झूठा वादा करने का लगाया था आरोप। बीजेपी किसान पोस्टर मामले में बीजेपी प्रदेश मंत्री सांवलाराम देवासी ने कहा, पोस्टर में किसान की तस्वीर एक सांकेतिक फोटो, बीजेपी का कोई गलत इरादा नहीं, कांग्रेस किसान पर कर रही है घटिया राजनीति। बसपा ने दो और प्रत्याशी के घोषित, बांदीकुई से भवानी सिंह गुर्जर और सादुलपुर राजगढ़ से मनोज जुनियांगली को बनाया उम्मीदवार। अब तक चार लिस्ट की जा चुकी है जारी।